सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में राजनीति कर रही है, राजनीतिक फायदा के लिए प्रोपेगेंडा को उठाया है। सरकार की मंशा सही मायने में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की रहती तो पहले अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव और उन्हीं के विधायक रामकुमार पाहन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन का मामले को लेकर कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार के सारे पर तमाम चीज़ों को दबाया गया है। राज्य सरकार ऐसे मामलों को उठा करके सीएनटी एक्ट की जो अहमियत है उसकी प्रासंगिकता को खत्म करने का प्रयास कर रही है। सरकार अगर सचमुच में कार्रवाई करना चाहती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष और बहुत से नौकरशाह सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनके लिए विशेष रूप से कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाए, हम उसका पुरजोर स्वागत करते हैं। हमारा कहना है कि जिस जमीन मालिकों का बात है, कल्पना सोरेन भी जिस खाता से जमीन ली है उसी खाता नंबर 233 का जमीन में राज्यसभा सांसद समीर उरांव भी सीएनटीएट के उल्लंघन करके फर्जीवाड़ा करके जमीन लिए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सालहन अनगड़ा निवासी खीरी विधायक रामकुमार पाहन तिरिल कोकर रांची में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके जमीन लिए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए बाकायदा मैं सूचक आवेदक हूं और मैं 2 साल पहले लिख के दिया हूं, अभी तो उस पर कार्रवाई नहीं है। आप देख सकते हैं डीसी के पास ये चिट्ठी दबा पड़ा हुआ है। सरकार अगर ईमानदार से कार्रवाई करना चाहती है तो सब पर कार्रवाई करें। एसएसपी, उपायुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सबको चिट्ठी दिया है, वो फाइल को दबा दिया है, क्योंकि